फर्जी शादी कराने वाले गिरोह के विरुद्ध थाना नाहरगढ़ द्वारा की गई प्रभावी कार्यवाही। नमस्कार, मैं हूं रोहित बैरागी और आप देख रहे हैं नीमच जिले का टॉप डिजिटल न्यूज़ चैनल MP7 न्यूज़। आप MP7 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से हर खबर पहुंचे सबसे पहले आप तक। देखिए मंदसौर से बंसीदास बैरागी की बड़ी खबर। मंदसौर जिले में धोखाधड़ी कर फर्जी शादी कराने वाले गिरोह के विरुद्ध थाना नाहरगढ़ पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई। शादी के नाम से फरियादी जगदीश पिता कस्तूर जाट निवासी ग्राम जग्गाखेड़ी, पुत्र विकास जाट की शादी करवाने के नाम से 2.5 लाख रुपए लिए व शादी कराई। शादी के 8वें दिन दुल्हन फरियादी के परिवार को धोखा देकर फरार हो गई, जिसको लेकर फरियादी जगदीश की रिपोर्ट पर थाना नाहरगढ़ पर अपराध क्रमांक 13/22 धारा 420 120 बी 34 भादवी में मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया। वह विवेचना के दौरान शादी कराने वाले दलाल राधेश्याम पिता रघुनाथ जाट निवासी श्री लसुड़ा थाना बिरला ग्राम तहसील नागदा जिला उज्जैन को गिरफ्तार किया तथा शेष आरोपी शांतिलाल निवासी ग्राम जरूका थाना मालागांव जिला वासिम महाराष्ट्र एवं लुटेरी दुल्हन व उसकी मां निवासी ग्राम पीपल गांव थाना निवासी जीतूर जिला परभानी महाराष्ट्र को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम पृथक से रवाना की गई। पुलिस ने आरोपी राधेश्याम उम्र 48 वर्ष पिता रघुनाथ निवासी बिलसुड़ा थाना बिरला ग्राम थाना नागदा जिला उज्जैन को गिरफ्तार कर लिया है तो वहीं आरोपी शांतिलाल निवासी जरूका थाना मालेगांव जिला वासिम महाराष्ट्र व उषाबाई व माँ शोभाबाई निवासी ग्राम पिपलगांव थाना जितुरा जिला परभानी महाराष्ट्र फरार है। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।